स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया दैट्स कॉल्ड साई इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर एंड स्पोर्ट्स तो उसमें पोजिशन हैं, सो बेसिकली साई में अलग अलग एथलीट्स जिनको प्रिपरेशन कराया जाता है जिनको सपोर्ट दिया जाता है उसी में देर इज अ रिक्रूटमेंट ऑफ यंग प्रोफेशनल्स तो दो तरह के पोजिशंस है इसमें सात मार्च को दो नोटिफिकेशन निकले हैं एक ही नोटिफिकेशन इसमें यंग प्रोफेशनल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव यंग प्रोफेशनल प्रोजेक्ट एंड एडमिन ये दो तरह के पोजीशन है दो ही पोजीशन है right? इसकी हम लोग बात करेंगे, एक और नोटिफिकेशन निकला है वो भी सात मार्च को ही निकला है और यंग प्रोफेशनल एथलीट रिलेशनशिप मैनेजर मतलब रोल जो होगा वो एथलीट रिलेशनशिप मैनेजर का होगा इसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे ठीक तो लेट्स स्टार्ट विद ओनली सो नेताजी सुभाष रीजनल सेंटर जो है लखनऊ में इसमें ये पोजीशन है साई का यंग प्रोफेशनल एथलीट रिलेशनशिप मैनेजर बेसिकली जितने भी एथलीट्स हैं जो साई के अंडर ट्रेनिंग लेते हैं उनके साथ आ, उनको सपोर्ट करने के लिए उनको कनेक्ट करने के लिए इंस्टीट्यूट से आपको काम करना है अनरिजर्व कैटेगरी में एक वैकेंसी है फिफ्टी थाउजेंड टू सेवेंटी थाउजेंड इसका रिम्यूनरेशन है आपका ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी डिसिप्लिन में विद आपका सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स फिर आपका दो साल का इसके साथ ही दो साल का एक्सपीरियंस जहाँ एसेंशियल क्वालिफिकेशन आपकी ऊपर वाली जो क्वालिफिकेशन है वो हो या फिर एम और ए पी डिप्लोमा दो साल का जो भी है किसी भी और एक साल का एक्सपीरियंस आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन यानी अगर आपने मास्टर्स किया है पीजी डिप्लोमा किया है एमबीए किया है तो आप अप्लाई कर सकते हो कैंडिडेट जिन्होंने नेशनल इंटरनेशनल और ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया उनको दिया जाएगा सो so, है क्या बेसिकली आपको सात मार्च से इक्कीस मार्च पांच बजे तक अपना जो भी है आपका एप्लीकेशन नीचे इन्होंने दिया हुआ है इस मेल पर भेजना है ठीक है और इन दोनों को ये जो दो वेबसाइट है इस पर डिटेल एडवर्टीजमेंट है जो नीचे हम लोग देखेंगे तो ये एडवर्टीजमेंट है ठीक है यहाँ पे प्रॉपर आपका पांच साल का टेंडर आपका रहेगा पहले टू ईयर फिर एक साल फिर एक साल और फिर एक साल तीन बार में एक एक साल आपका बढ़ाया जा सकता है डिटेल में ये दोनों वेबसाइट है ये ईमेल मेल है जहाँ पे आपको कोई भी क्वेरी या फिर आपका एप्लीकेशन भेजना है ये जॉब डिस्क्रिप्शन है पहला आपका वन स्टॉप सर्विस पॉइंट रहेगा एथलीट जो भी आपको असाइन किया जाएगा सपोज कोई कोई ओलंपियन दूसरा एथलीट आपको असाइन किया गया उसके लिए उसको सर्विस प्रोवाइड करने के लिए साई का सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए यू विल बी द वन स्टॉप सेंटर पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन आपको करना उसका पूरा प्रोसेस इंश्योर करना अब ये सारा पूरा डिटेल हमने ऑलरेडी कवर कर ही लिया ये है आपका एवेल्युएशन क्राइटेरिया टोटल हंड्रेड मार्क्स है थर्टी मार्क्स आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन पे मान अपने परसेंटेज जो आपका है उसके आधार पर डिटेल में मैं आपको डाल दूंगा इसका लिंक भी डाल दूंगा आप वहाँ से भी इसको देख सकते हो प्रॉपर इन्होंने बहुत डिटेल में दिया हुआ है डिग्री और मार्कशीट के बारे में वर्क एक्सपीरियंस के बारे में आ, अदर डॉक्यूमेंट आपको क्या चाहिए स्पोर्ट पार्टिसिपेशन अगर आपने किया तो टू मेंशन इट कौन अप्लाई कर सकते हैं क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट इसमें अटैच करने हैं जब आप इसको भेजोगे ठीक तो अगेन वही है इसमें क्या कहते हैं पीरियड ऑफ एक्सपीरियंस जो है अलग अलग मतलब रिलैक्सेशन ऑफ एज साई में किसी का एक्सपीरियंस हो तो एज में रिलैक्सेशन मिल सकता है क्योंकि थर्टी टू ईयर का एज है ठीक है टी ए डी आपका अलग है टी डी एस कटेगा दैट इज़ ओके हाउ टू अप्लाई एप्लीकेशन फॉर्म जो इसमें अटैच है उसको भरना है और थ्रू ई मेल ही आपको भेजना है एन सी ओ ई एल के ओ आर के ओ रिक्रूटमेंट एट द रेट जी मेल डॉट कॉम ठीक लास्ट डेट क्या है इक्कीस मार्च इसका लास्ट डेट है ठीक है कॉन्फिडेंशियल ऑल को आप पढ़ सकते हो ये इस तरह का आपका नहीं होना चाहिए ठीक है तो इस तरह का मतलब आपका जो भी सर्टिफिकेट और जो भी चीज़ है ना वो क्लियरली दिखना चाहिए ठीक है क्लियरली दिखेगा तभी होगा ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको आपको भरना है प्रीफरेबली होता है कि आप कॉपी पेस्ट करके इसको कन्वर्ट करके वर्ड में कर लें नहीं तो टाइप करके भी आप भर सकते हो यहाँ पे अपना फोटोग्राफ चस्पा कर दो यहाँ क्वालिफिकेशन का डेट यहाँ आपके पोस्ट और डिग्री पुराना जो भी आपका एक्सपीरियंस है प्लेस और सिग्नेचर इसको आपको अगेन मैं वही बोलूंगा मेल करना है आपको ये जो मेल आईडी दिया हुआ है इस पूरे नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन नंबर वन करके डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है अब आते हैं हम दूसरे वाले रोल पे ये जो दूसरा रोल है वो है यंग प्रोफेशनल जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव और यंग प्रोफेशनल प्रोजेक्ट एंड एडमिन ये दोनों रोल आपके मैक्सिमम पीरियड ऑफ पांच साल के लिए हैं साई एन ई आर सी इम्फाल वो लखनऊ के लिए है ये लखनऊ के लिए और ये आपका इम्फाल के लिए ठीक अगेन इसमें आपका रोल बेसिकली अगर आप जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव में तो एडमिन सपोर्ट करना है प्रोजेक्ट और एडमिन में तो मैनेज डे टू डे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क ऑफ एन ठीक है इसमें भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपका दिया पोस्ट ग्रेजुएट आपका किसी डिसिप्लिन में हो या फिर बी ई बी टेक दो साल का पी जी डिप्लोमा मार्केटिंग में एम बी बी एस एल एल बी सी ए या कोई और अदर डिग्री चार साल की ठीक है एम बी ए पोस्ट पी जी डिप्लोमा अगर आपका है दो साल स्पेशलाइजेशन स्पोर्ट में तो प्रिफरेबल होगा तीन साल का आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए ठीक तो ये दोनों में डिटेल में उन्होंने दिया हुआ है बहुत करके ये अगेन वही क्राइटेरिया है इनका सिलेक्शन का कि टोटल जो हंड्रेड मार्क्स है वो थर्टी मार्क्स आपके सेंसियल क्वालिफिकेशन थर्टी फाइव मार्क्स आपका एक्सपीरियंस बेटेज और ट्वेंटी फाइव मार्क्स आपका स्पोर्ट्स में अगर कोई आपका एक्सपीरियंस है उसके अराउंड है ठीक है जेडी जो मेंशन होगा उसके अराउंड अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है तो टेन मार्क्स उसका ठीक अगेन आपको वही सारे डॉक्यूमेंट जो यहाँ पे लिस्ट है सेम है उसी को अटैच करते हुए इनको आपको मेल कर देना है ठीक और मेल जो करना है उसका जो ई मेल है वो ये आर सी ठीक वो डिफरेंट ईमेल आई था ये डिफरेंट ई मेल ये यह यहाँ पे भी ये फॉर्म इन्होंने अटैच किया हुआ है ठीक है यहाँ पे इस वाले फॉर्म को आपको भरना है अगर इम्फाल में आपको अप्लाई करना है तो और ई मेल पे आपको शेयर करना है उनके साथ तो ये दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं साई के अगर आप वेबसाइट पे भी जाओगे तो इस वेबसाइट पे भी आप नीचे जाओगे और यहाँ पे न्यूज़ टेंडर जॉब्स में जाओगे तो दोनों अपॉर्चुनिटी आपको ऊपर ही मिल जाएंगी ठीक है सात मार्च के नोटिफिकेशन से दोनों और उनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है अगेन आप अगर इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हो तो स्टाइप इंडिया को आप यूट्यूब चैनल पर सर्च कर सकते हो इवन जो आप वीडियो देख रहे हो वो भी स्टैप इंडिया पे ही है तो यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम और फेलोशिप प्रोग्राम और जो अभी भी जो नए जमाने के अलग अलग तरह के नए जॉब आ रहे हैं वो आपको यहाँ पे मिलेंगे इन्फॉर्मेशन एंड विद प्रपरेशन यहाँ पे आप मैसेज करोगे तो कोई भी आपका क्वेरी कन्फ्यूजन होगा तो वी विल टेक केयर सो so, हम सब एक फेलोज और यंग प्रोफेशनल ग्रुप हैं फेलोज का जो आपको विदाउट एनी कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट सपोर्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन से लेके आपके एप्लीकेशन भरने से ले सिलेक्शन तक सो डू अप्लाई अगर आपको कोई भी सपोर्ट की आवश्यकता है इसमें तो आप हमें लिख सकते हैं उस नंबर पर ठीक है दो तरह के नोटिफिकेशन है दोनों नोटिफिकेशन हम डालेंगे इनमें आपको कोई भी चैलेंज आएगा आप हमें रीच आउट करें थैंक यू सो मच ऑल द बेस्ट आप अप्लाई करिए और हम आपको विश करते हैं कि आपको जल्दी से जल्दी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले